ओम शांति। हमें कर्मयोग सिखलाने वाले शिव बाबा कहते हैं, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो जीवन है, वैसे कर्म और योग कंबाइंड हो। दो तीन घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी वह है जिनका योग स्वतः और सहज होता है, उनका योग टूटता ही नहीं जो मेहनत करनी पड़े। उन्हें कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता नहीं। याद में रहने से सब कार्य स्वतः सफल हो जाते हैं। फाइन बनने वालों के सब फाइल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि योगी जीवन सर्व प्राप्तियों की जीवन है। बाबा का हमें वरदान भी है, सर्व फरियादों की फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले कर्मयोगी भव। तो चलिए बाबा के इस वरदान का स्वरूप बने। अपने आप को देखे, मस्तक के बीच बैठा हुआ मैं एक अनमोल मोती हूं। यह शरीर जैसे एक सीप है, और मैं आत्मा एक अमूल्य मोती हूं। मैं इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाला रथी हूं। मैं आत्मा कर्मयोगी बन हर कर्म करता हूं। कर्म और योग सदा साथ साथ। कर्म और याद कंबाइंड। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ, दोनों का परफेक्ट बैलेंस रखने वाला मैं कर्मयोगी हूं। मैं कर्मयोगी आत्मा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते ना कभी आत्मा का निर्वाह भूलता हूं, ना आत्मा का निर्वाह करते शरीर का निर्वाह भूलता हूं। मैं कर्मयोगी बन हर कर्म करता हूं। मैं आत्मा कर्म के बंधन से न्यारा कर्मातीत हूं।
यह कर्मयोगी स्थिति अति न्यारी और प्यारी है। मैं कर्म के बंधन से मुक्त हूं। मैं कर्मयोगी हूं। मैं कर्मयोगी आत्मा अब किसी भी बंधन में बंधने वाला नहीं। मैं सदा न्यारा और बाबा का प्यारा हूं। हर कर्म करते सदा यही स्मृति की मैं निमित्त करनहार हूं। बाबा मुझ निमित्त आत्मा द्वारा करा रहा है। सब कुछ बाबा करा रहा है। बाबा करावनहार है। सदा करावनहार बाबा की स्मृति में सेवा करने से कर्म और याद सदा साथ साथ रहने से मुझे हर कर्म में सफलता प्राप्त है। निरंतर याद में रहने से सब कार्य स्वतः सफल है। मेरी यह कर्मयोगी जीवन सर्व प्राप्तियों की जीवन है। अब कुछ समय के लिए विजुअलाइज करते रहे कि मैं आत्मा अपने कर्म क्षेत्र पर कर्मयोगी बन कर्म कर रहा हूं। करावनहार बाबा मुझ निमित्त आत्मा द्वारा कार्य करा रहा है। कर्मयोगी बन हर कार्य करने से मुझे हर कार्य में सफलता मिल रही है।
यही अभ्यास सारे दिन भर करते रहे। ओम शांति।